देखिए गाइस ओरिजिनल ऐसा दिखता है, जो कि ओरिजिनल का पहचान स्ट्रेंजर आइडियो लिखा गया, जो कि यहाँ पर इसका लुक वगैरह देख सकते हैं, कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्ट्रेंजर के स्टॉल में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सर, चलिए हम स्ट्रेंजर के स्टॉल में चलते हैं और गाइस सर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें चीज़ देखने को मिलता है। तो गाइस सर, फाइनली मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये हो गया स्ट्रेंजर का स्टॉल, जो कि सर यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये इनका मिक्सर, जो कि सर ये वाला मिक्सर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि 6 चैनल का SXR सीरीज का है। ये मिक्सर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ ही सर UM सीरीज का यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मिक्सर है 6 चैनल का भी है, ये भी है SM है, यहाँ पर मॉडल नंबर है, जो कि इको मिक्सर वाला ये है, और सर यहाँ पर भी लगा हुआ है, और सर स्ट्रेंजर का ये डुअल HF माइक्रोफोन हो गया। साथ ही सर इनके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये स्ट्रेंजर का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ पर ये इसका ये मशीन हो गया, डिजिटल साउंड इको के लिए हो गया, और सर ये भी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और सर अगर आप लोग छोटा इको के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाला स्ट्रेंजर का ले सकते हैं। बाकी की सर स्ट्रेंजर का यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला भी एमएल फायर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और 800 वाट इसका, और सर यहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रेंजर का, ये जो है 100 वाट इसका, और सर 125 वाट इसका। अगर हम इनके मिक्सर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंजर का स्टॉल लगा हुआ है मिक्सर, कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्रेंजर और सर मॉडल नंबर SXR 32, यहाँ पर 32 चैनल के मिक्सर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिक्सर है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर इक्वलाइजर ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सर बाकी ये मिक्सर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ ही सर यहाँ पर दूसरे साइड में स्ट्रेंजर का SXR 24 चैनल का, जो कि 24 चैनल का मिक्सर है। तो गाइस अगर आप लोग 24 चैनल का मिक्सर लेना चाहते हैं तो फिर इस वाले मिक्सर को आप लोग ले सकते हैं। साथ ही सर यहाँ पर देख सकते हैं, उससे नीचे चलते हैं तो स्ट्रेंजर का ये वाला मॉडल SM1603, जो कि ये वाला मॉडल स्ट्रेंजर का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। और भी सर स्ट्रेंजर का ये वाला मिक्सर और भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि ये 12 चैनल का है गाइस, इसमें आप लोगों को 12 चैनल मिलता है, जो कि ये मिक्सर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम बजट में मिल जाएगा। और भी सर यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेंजर का ये वाला मॉडल यहाँ पर लगा हुआ। तो गाइस बात करेंगे इनके एम्पलीफायर के बारे में, जो कि सर जो SPV 4K और 3K और 5K जो लेटेस्ट है, एक तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। तो सर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया स्ट्रेंजर का लेटेस्ट मॉडल का एम्पलीफायर, जो कि सर ये 8 वाट इसके एम्पलीफायर है, जो कि यहाँ पर इसका लुक वगैरह देख सकते हैं, कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग मॉडल SPV 8K, जो कि सर ये 4000 वाट की पावर निकाल कर दे देगा। यहाँ पर इसका एयर वेंटिलेशन के लिए हो गया, यहाँ पर ये हो गया पावर ऑन करने के लिए स्विच, अगर हम इसके बैक साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैक साइड कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर डबल फैन दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पर प्लग ही नहीं देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे भाई लोग यहीं पर चेक करते हैं, स्ट्रेंजर ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्यू आर कोड देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनल की पहचान के लिए दोनों चैनल के लिए यहाँ पर इनपुट के लिए दिए गए। ये वाला जो स्विच है गाइस, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी कट करने के लिए दिया गया, जो कि दोनों चैनल के लिए। इसमें कुछ आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगा, जो कि बनाना टर्मिनल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है सर, इस वाले स्विच का क्या काम है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंजर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4K, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4K का एम्पलीफायर हो गया। इसके बैक साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसका बैक साइड देख सकते हैं, कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने मिलेगा, जो कि हम एक वीडियो बनाए थे स्ट्रेंजर के ऊपर, जो कि यहाँ पर स्विच एक ही दिया था, बढ़ गई सर अब ये दोनों चैनल में। पहले स्ट्रेंजर के 4K में यहाँ पर कसने वाला आता था, बढ़ गई सर अब इसमें भी आप लोगों को बनाना टर्मिनल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ओरिजिनलिटी का पहचान। तो गाइस बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंजर में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता रहता है, तो जी हाँ स्ट्रेंजर के 4K में चेंजिंग हुआ है। साथ ही सर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया स्ट्रेंजर का 3K, ये हो गया स्ट्रेंजर का 3K मॉडल, और सर ये हो गया स्ट्रेंजर का 5K मॉडल। तो सभी में आप लोगों को यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेगा इसके बैक पैनल पे, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और सर यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को हॉर्न वाला अब ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर पहले मिलता था, जो कि गाइस यहाँ पर ब्रिज मोड करने के लिए ऑप्शन है। साथ ही सर ये हो गया स्ट्रेंजर का 5K का मॉडल, जो कि यहाँ पर इस SPV 5 के यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर हम इसके बैक साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ पर फिल्टर के लिए S H1 और H2 यहाँ पर दिया गया है,
साथ ही सर यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी SPV-5 के प्रोडक्शन किया गया, ये इसका केबल हो गया। तो भी सर बाकी में स्ट्रेंजर का यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1100 स्ट्रेंजर का लोगो है जो कि कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पर इनके आइडियो एम्पलीफायर के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं इनका ये आइडियो एम्पलीफायर हो गया, जो कि सर ये वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग इस वाले को लेते हैं, तो बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि स्टिंगर का जो 501 500 वाट इसका एम्पलीफायर है ओरिजिनल कैसा दिखता है। तो देखिएगा इस ओरिजिनल ऐसा दिखता है, जो कि ओरिजिनल का पहचान स्टिंगर आइडियो लिखा गया और कुछ आप लोगों को इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके बैक पैनल के बारे में। यहाँ पर इसका बैक पैनल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं, सारे ही एम्पलीफायर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और भी सर यहाँ पर ये 700 वाट का एम्पलीफायर है, बाकी सर यहाँ पर होता है इधर मान लो इंटर ले लग बंद कर दी। तो भाई सर आई होप कि आप लोगों को ये वाला इंस्टॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही सर जो मैंने आप लोगों को दिखाया स्टिंगर का इंस्टॉल काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नया टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।